सदन की कार्रवाई बार बार आप बाधित कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेके आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़ कर भेज रहे हैं। ये सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। सदन की मर्यादा के आपको कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में? मैं तख्तियां लेकर ही आऊंगा, मुझे सस्पेंड करो। ये तरीका सदन में उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, श्री डीके सुरेश, श्री दीपक बैज, श्री नुकुलनाथ जी, मैं आपको सदन की कार्रवाई बार बार आप बाधित कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेके आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़ कर भेज रहे हैं। ये सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैंने किसी भी माननीय सदस्य का निलंबन बिना किसी कारण के नहीं किया गया है, पर आप माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, आप कागज फाड़ कर स्टाफ पर फेंक रहे हैं। पूर्ति सदस्य मेरे पास आते हैं कि हमें निलंबन कर दो, ये तरीका ठीक है क्या सदन में? ये रिक्वेस्ट करने आते हैं, निलंबन कर दो मुझे, ये तरीका ठीक है क्या आपका? आप सदन की इन मर्यादाओं से सदन चलाना चाहते हैं क्या? सदन की मर्यादा के आपको कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में? तख्तियां लेकर लेकर भेजा है आपको? आप चर्चा करिए, समाज करिए, आपको मौका देंगे, पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य? नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले रहा कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आपका अधिकार है सदन में बोलने का, चर्चा करने का, बातचीत करने का, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप जाकर सदन पर अपनी सीट पर भेजें, मैं आपको मौका दूंगा पर्याप्त समय का, आप विषय किसी भी विषय उठाइए, शून्यकाल में जाइए, सदन में बोलने का मौका दे रहा हूं मैं। मैं तख्तियां लेकर ही आऊंगा, मुझे सस्पेंड करो, ये तरीका सदन में उचित नहीं है। रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, पंजाबी जवाब दे देना, लेकिन गल है पर मनोज जी तो पंजाबी समझ देने चंगी, पर चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, अजकल लैंग्वेज नहीं, बाकी जगह तो भी आ रही होता भी ऐसे। पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। चलो मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। आपको डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए। आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, श्री मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 265, माननीय मंत्री जी, इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना देश के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान कर रही है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, बहुत अद्भुत योजना है। लेकिन अध्यक्ष जी, यह हमारे देश के 2 महानगरों में, दिल्ली और कोलकाता में उपलब्ध नहीं है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वहां के स्थानीय लोग हैं या बहुत माइग्रेंट लोग वहां जाके बसे हैं, वो सभी परेशान हैं, ये सुविधा उनको नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है, यदि हाँ तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है जिससे दोनों दिल्ली और कोलकाता महानगर के जरूरतमंदों को ये लाभ मिले। सदी ऑनरेबल मेंबर हैज टेकन एंड आस्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक फोकस ऑन आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। हाँ, और बहुत भाषा जो जानते हो। भी स्टेयर आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, मैं पंजाबी जवाब दे देना, लेकिन गल है पर मनोज जी तो पंजाबी समझ देने चंगी, पर चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना,
अजकल लैंग्वेज नहीं, बाकी जगह तो भी आ रही होता भी ऐसे पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। सर ऐसा है, ये प्रश्न जो पूछा गया है माननीय सांसद माननीय ऑनरेबल मेंबर ने, ये है प्रश्न है सिविक इम्यूनिटीज जो स्लम्स में दी जाती है। और सभापति महोदय आपको भी ज्ञान है, ऑनरेबल मेंबर्स को, लैंड और कॉलोनाइजेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। और इस समय जो हमने केंद्रीय योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी और जो 2015 जून से ज्यादातर हुई है, उसमें इसका लाभ जो है देश भर में सब जगह पहुंच रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, उसमें स्वच्छ भारत मिशन होगी, अमृत। पर ये जो योजना है आयुष्मान भारत की, ये मेरा मंत्रालय नहीं लागू करता है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। और आपका सवाल, ऑनरेबल मेंबर का सवाल ये है कि ये दिल्ली में और कलकत्ता में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये होगा सभापति महोदय कि मनोज जी मेरे साथ बैठ जाएं, निशिकांत जी ने भी सवाल पूछा वो भी बैठ जाएं, हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करें। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। और जो माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर आता है बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और जगह से, वो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है। नहीं, पर इस विषय नहीं है, पर हम तो चाहते हैं उसको लागू करना, इसलिए हम उनके साथ बैठ पे चाय पे चर्चा पर आप तो डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए आम आदमी पार्टी को किसी को कि उनको ये लागू करनी चाहिए या टीएमसी को वेस्ट बंगाल में करें। यहाँ से माननीय है, आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं।